हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3D होम्स। मैं आपका दोस्त सलीम चौधरी एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ 23 फुट बाय 37 फुट के इस प्लॉट के साथ। आज हम इस वीडियो में इस प्लॉट के बारे में सारी डिटेल्स को जानेंगे, लेकिन अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इस प्लॉट को और डिटेल से जानने के लिए सबसे पहले इसका एक 3D लेआउट देख लेते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमने इसमें कहाँ पर हॉल डिज़ाइन किया और किचन कहाँ पर दिया और कहाँ पर हमने इसमें बाथरूम बनाया हुआ है। ये इसका 2D लेआउट है, जिसमें इस प्लॉट के सारे डायमेंशन डिटेल्स हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमने हॉल को कितने फिट एरिया दिया और कितने फिट में हमने किचन डिज़ाइन किया। और मेन गेट से जब हम इंटर होंगे इस प्लॉट में तो यहाँ पे हमें कार पार्किंग का एरिया मिलेगा, और ये इसका मेन डोर है जिससे हम इस प्लॉट में इंटर होंगे। इस प्लॉट में इंटर होंगे तो कुछ इस तरह से ये प्लॉट में अंदर से नज़र आएगा। ये इसका हॉल है जिसका हमने वुडन फ्लोरिंग यूज़ किया फ्लोरिंग के लिए, और वॉल पे हमने यहाँ पे 3D का वॉलपेपर यूज़ किया है जिससे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। सोफे की बात करें तो हमने इसमें एल शेप का सोफ़ा दिया हुआ है, और सोफे के सामने हमने यहाँ पे टेबल्स वगैरह दिए। सीलिंग की बात करें तो हमने साइड में POP का सीलिंग किया और बीच में हमने वुडन का सीलिंग यूज किया हुआ है। यहाँ पे हमने डोर के पास में एक साइड टेबल दिया हुआ है जिसपे आप अगर बाहर से आते हैं तो कीज हेलमेट वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हैं। सोफे के सामने ही हमने यहाँ पे वुडन का TV यूनिट डिज़ाइन किया हुआ, जिसमें आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग से किसी भी साइज़ का TV यूनिट लगा सकते हैं। ये हमने बाथरूम दिया हुआ है जो हॉल के यूज़ के लिए है। इसमें हम इंटर होंगे तो सामने हमें यहाँ पे कमोड नज़र आएगा। टाइल्स की बात करें तो हमने यहाँ पे क्रीम कलर का टाइल्स यूज़ किया और उसी का हाइलाइटर भी यूज़ किया है। फ्लोरिंग की बात करें तो हमने वुडन टेक्सचर का फ्लोरिंग यूज़ किया, और यहाँ पे राइट वॉल पे आपको शावर और वॉश बेसिन दोनों नज़र आएंगे। डोर से बाहर निकलेंगे तो हम वापस हॉल में आ जाएंगे, और हॉल से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड में किचन दिखाई देगा। हम किचन में एंटर होंगे तो हमने यहाँ किचन में रेड कलर का अपर और लोअर कैबिनेट दिया हुआ, जिसमें आप अपने सारे सामान को यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। टाइल्स की बात करें तो यहाँ पे भी हमने सिंपल टाइल्स यूज किया है और उसी का हाइलाइटर हमने वॉल पे यूज किया हुआ है, और रेड कलर के मैचिंग में ही हमने यहाँ पे सीलिंग भी डिज़ाइन किया हुआ है जिसके सेंटर में हमने ऊपर फैन भी दिया हुआ है। किचन से हम बाहर निकलेंगे तो हमें सामने ही नज़र आएगा स्टेयर केस, जहाँ पे ब्लैक कलर का यहाँ पे हमने एक वार्डरोब भी डिज़ाइन करके रखा हुआ है, ताकि यहाँ पे अपना जो रोज़ नहीं यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। ये पीछे का डोर है, इससे हम बाहर निकलेंगे तो पीछे पहुँच जाएंगे गार्डन में। ये एरिया हमने गार्डन के रूप में डिज़ाइन किया है, जहाँ पर कुछ चेयर वगैरह रखी हुई है, जहाँ पर आप सीटिंग पोर्शन भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं मॉर्निंग में, या किसी भी टाइम यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रास ट्रीज बाकी चीज़ें। सामने स्विमिंग पूल भी डिज़ाइन किया हुआ है ताकि आपको ये एक बंगलो लग्जरी जैसा फील हो, ऐसा नहीं लगे कि आप एक छोटे से घर में लग रहे हैं, क्योंकि हमने इस छोटे से प्लॉट को भी एक लग्जरी बंगलो में डिज़ाइन किया हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा भी लगेगा और आप वीडियो को लाइक भी करेंगे। गार्डन घूम लेने के बाद चलिए डोर से वापस हम प्लॉट में इंटर होते हैं, और प्लॉट में इंटर होंगे और वापस चलेंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ पे स्टेयर लेंगे और स्टेयर से बढ़ जाएंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ पे हमने स्टेयर के अटैच यहाँ पे हमने एक वार्डरोब डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें आप अपने सारे सामान स्टोर कर रख सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का 3D लेआउट है, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे कहाँ कहाँ पे रूम डिज़ाइन किया हुआ है, बाथरूम कहाँ पे है और बाकी चीज़ें कहाँ पे हैं। वो सारी चीज़ें आप इस 2D लेआउट में भी समझ सकते हैं, और उसमें सारे डायमेंशन डिटेल भी आपको मिल जाएंगे। स्टेयर से हम ऊपर जाएंगे तो हम पहुँचेंगे एक छोटे से पैसेज में। ये यहाँ पे हमने ग्लास का विंडो दिया हुआ है जो बाहर से काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, और खोलने पे आपको अच्छा खासा वेंटिलेशन भी मिलेगा। यहाँ पैसेज में हम इंटर होंगे तो हमें दो डोर नज़र आएंगे, एक डोर आपको राइट साइड में नज़र आएगा और एक आपको फ्रंट में नज़र आएगा। चलिए सबसे पहले हम राइट साइड वाले डोर में इंटर होते हैं, जो कि इस प्लॉट का फर्स्ट बेडरूम है। इस बेडरूम में इंटर होंगे तो सामने आपको स्लाइडिंग विंडो नज़र आएगा, और उसके सामने यहाँ पे आपको बालकनी नज़र आएगा। बेड की बात करें तो 6x6.5 का बेड नज़र आएगा, और सामने आपको वार्डरोब नज़र आएगा। बेड के पीछे हमने हेडबोर्ड में वॉलपेपर यूज किया हुआ है, और वही वॉलपेपर हमने सीलिंग में भी कंटिन्यू किया हुआ है। फ़ैन की बात करें तो सीलिंग में हमने बेड के अकॉर्डिंग से सेंटर में फ़ैन बिठाया हुआ है, ताकि आपको हवा पूरे बेड पे मिले। इस रूम में हमने यहाँ पे सामने ही बाथरूम डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि किसी भी रूम में आपको बाथरूम की नीड होती है। इस बाथरूम में इंटर होंगे तो सामने आपको यहाँ पे कमोड नज़र आएगा, और उसके पीछे आपको हाइलाइटर टाइल्स नज़र आएगा, जो कि हमने वॉल से लेकर फ्लोरिंग में भी कंटिन्यू किया हुआ है। बाकी टाइल्स की बात करें तो ग्रीन और वाइट कलर का हमने टाइल्स यूज किया हुआ है। यहाँ पे सामने आपको ऊपर शावर नज़र आ जाएगा, और सामने ही यहाँ पे आपको वॉश बेसिन मिल जाएगा। चलिए
अभी इस रूम बाथरूम से बाहर निकलते हैं और वापस आते हैं तो सामने ही आपको वार्डरोब नज़र आएगा और ये इसका डोर है जिससे हम इंटर हुए थे। इस डोर से हम वापस बाहर चलेंगे और बाहर चलेंगे अभी सेकंड रूम की तरफ। ये इस प्लॉट का सेकंड रूम है जो स्टेयर के सामने ही आपको दिखाई देता है। इसमें हम इंटर होंगे तो सामने ही आपको यहाँ पे बेड नज़र आएगा। बेड की बात करें तो किंग साइज़ का बेड है, 6x6.5 फीट का। इसके सामने ही आपको कारपेट नज़र आएगा। सीलिंग की बात करें तो हमने सीलिंग में और बैक वाल पे भी सेम हमने वॉलपेपर यूज़ किया है जिससे दिखने में दोनों एक जैसा लगे। सामने ही आपको टीवी यूनिट और वार्डरोब मिल जाएगा। इस रूम में भी हमने यहाँ वॉल से ही अटैच यहाँ पे बाथरूम डिज़ाइन किया हुआ है। बाथरूम में इंटर होंगे तो सामने आपको कमोड नज़र आएगा। टाइल्स की बात करें तो हमने यहाँ पे ब्लैक कलर का ग्रूविंग वाला टाइल्स यूज़ किया है जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और इसको और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने सेम कलर का ही हमने फ्लोरिंग यूज किया हुआ है। बाथरूम से बाहर निकलेंगे तो हम वापस रूम में आ जाएंगे और सामने ही यहाँ पे आपको कंप्यूटर टेबल दिखाई देगा जहाँ पे आप स्टडी भी कर सकते हैं और यहाँ पे ऑफिस का काम भी कर सकते हैं। टीवी यूनिट से होते हुए यहाँ पे सामने हम पहुँच जाएंगे मेन डोर पे। ये डर निकलता है, हम बालकनी में आएंगे तो यहाँ से आपको बाहर का वेंटिलेशन भी अच्छा मिलेगा और यहाँ पे ग्रिल लगे हुए, ग्रास वगैरह लगे जो आप देख सकते हैं। यहाँ से नीचे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस छोटे से प्लाट पर एक लग्जरी बंगलो डिज़ाइन किया है जिसमें मैंने काफ़ी मेहनत की है। यह आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वीडियो में क्या अच्छाई है, क्या खूबी है, सारे पॉइंट्स आप मुझे बताएंगे और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए आगे लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।